नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। 3000 की नौकरी करने वाले कंपाउंडर को बना दिया मौत का सौदागर। फर्जी अस्पतालों पर नहीं पड़ रही है जिला प्रशासन की नजर। बिना रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं दबंग डॉक्टर फर्जी अस्पताल। नियमों को ताक पर रख रहे हैं हॉस्पिटल और कर रहे हैं मरीजों से जमकर पैसों की उगाही। अवैध तरीके से संचालित हो रहे फर्जी हॉस्पिटल सचिंदी थाना क्षेत्र के किसान नगर में। दबंग हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगाने से माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई है। एक फर्जी अस्पताल में नौशिकिया डॉक्टर खुलेआम करते हैं मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। मौती के प्रधान की दबंगई आई सामने। दबंग प्रधान के सर पर चल रहा है दिव्यांशु हॉस्पिटल। दिव्यांशु हॉस्पिटल की मालकिन गुड़िया चौहान अक्सर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने में चर्चित रहती हैं। अपने आप को बताती हैं दीपू चौहान ढाबे के रिश्तेदार। जच्चा बच्चा के मरने पर भौती का दबंग प्रधान पीड़ित परिवार से बना रहा है फर्जी तरीके से दबाव। अब जल्द ही सीएमओ साहब कभी भी अस्पताल पर कर सकते हैं कार्रवाई। इंडियन प्राइम न्यूज पर देखते रहिए दिव्यांशु हॉस्पिटल के काले कारनामे। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन।